नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। अच्छा, आपका 22 का पेपर गया होगा, ठीक है, और प्लान अब आप कर रहे होंगे कि किस तरह से पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, किस तरह से चीज़ें प्लान करनी है ताकि रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आए और बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। ये सेशन हम जो बच्चों के डाउट्स हैं, बार बार कॉल्स आ रहे हैं, जो बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस सभी शंकाओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर कर दें ताकि बच्चे थोड़े से क्लियर रहें कि वो क्या क्या सिचुएशन है और क्या क्या ऑप्शन उनके पास हो सकते हैं, क्या क्या डाउट्स हैं। जैसे जो बातें बच्चे चर्चा कर रहे हैं वो एक तो मेन तो कट ऑफ के बारे में ही है कि कट ऑफ कैसा जाएगा, क्या रहेगा, उस तरह का है। दूसरा जो है वो मेंस के बारे में है, क्योंकि 21 का जो मेंस है उसमें समय बहुत कम बचा है, अराउंड 50 डेज, ठीक है। फिर 22 का मेंस के बारे में है। पेपर थर्ड सभी बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और सभी बच्चे इससे कंसर्न्ड है कि पेपर थर्ड मतलब जैसे पेपर थर्ड में क्या होता है कि एक तो नॉर्मल पेपर जब आता है तब भी वो टफ लगता है। क्यों? क्योंकि पेपर थर्ड का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, उसमें सब यूनिट लगभग ऐसी हैं जो बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ता है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है यूनिट। इवन जो ज्योग्राफी है उसमें भी जियोलॉजी है, भूगर्भ शास्त्र है, ठीक है, एनर्जी में भी उतना डेप्थ में नहीं जाता है, पर ठीक है, एनर्जी एनवायरनमेंट इनमें फिर भी कंफर्टेबल रहता है, पर बाकी की यूनिट ऐसी हैं। तो पेपर थर्ड में अगर नॉर्मल पेपर भी आता है तो वो टफ लगता है, तो बच्चों का पेपर थर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इंटरव्यू 2019 को लेकर भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि कई बच्चे तो है ना जो ऐसे इस तरह के जो नए आए हैं या जिन्होंने पुराना भी भरा है तो अब सिचुएशन बदली है और वो दोबारा से फॉर्म को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो 19 का इंटरव्यू किस तरह से प्लान करें, ये सब चीज़ें बच्चे पूछ रहे हैं, ये डाउट्स उनके अभी हैं, ठीक है। दूसरा, कई सिचुएशन ऐसी है कि कई बच्चों का मेंस 21 भी है, 22 भी है और इंटरव्यू भी है, तो ये कैसे प्लान करें, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ये दो चीज़ें बहुत एक्टिक हैं, एक तो 21 का मेंस और एक इंटरव्यू, ठीक है। 22 में तो टाइम है और उसका अभी ठीक से प्लान बाद में कर सकते हैं, उसके लिए पर्याप्त टाइम भी है, पर ये दोनों चीज़ें अभी हैं तो इनको कैसे मैनेज करें, ये भी एक बच्चों में चिंता का विषय है, चर्चा का विषय है। तो इन सभी पर डिटेल में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। जैसे कट ऑफ को लेते हैं तो देखो, ये सही बात है कि ज़्यादातर बच्चे जो आ रहे हैं वो मतलब बच्चों का भी इसी तरह का फीडबैक है, और मैं सही बताऊं तो जो बच्चे मेरे से भी मिलने आए और जो उनके दोस्तों के बारे में भी बता रहे थे, जैसे मान लो एक बच्चा है, वो बोले सर हम 10 लोग हैं, मतलब मेरे दोस्त लोग 10 हैं, उनमें से 9 के 80 प्लस हैं, है ना, एक के नहीं है। ऐसे ही एक 50 का ग्रुप है कि सर हमारे यहाँ मतलब 50 एक कोई संस्था है उसमें जो फ्री में पढ़ाती है, उस तरह के बच्चे हैं वो, हालांकि सब बच्चे वो बहुत अच्छे हैं, मेन बात ये है। तो सर हमारे यहाँ 8 या 10 बच्चों के इससे कम है, 80 से कम है, बाकी मतलब लगभग 40 बच्चों के 80 प्लस हैं, ठीक है। तो दो केस तो ये हो गए, और जो बच्चे इंडिविजुअल मिलने आए हमसे, उनके और उनके फ्रेंड्स के, तो वो भी कि सर हमारे यहाँ 80 प्लस हैं और इस तरह की सिचुएशन वो बता रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो हाईएस्ट जो बच्चा हमारे पास आया मिलने उसके 91 है, हो सकता है और भी ज़्यादा हों कई लोगों के, पर जो बच्चे यहाँ आए तो कि भाई 91 है। तो भाई ऐसा क्या था, और क्या वास्तव में पेपर ईजी था? कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो पढ़ के कम गए थे, उनकी तैयारी ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। एक ओवरऑल में बात करूँ तो जैसे एक दूसरा संदर्भ जो मैंने देखा उसमें ऐसा था कि लगभग 4 से 5 प्रश्न प्लस हुए हैं बच्चों के, 4 से 5 प्रश्न प्लस हैं पिछली बार की तुलना में। जैसे किसी का 75 था तो वो अब 80 पे है,
ठीक है, 70 था तो वो लगभग 75 के आसपास, इस तरह की चीजें जो एक रुझान आ रहे हैं, जो एक इस तरह से बच्चे बता रहे हैं वो। एक मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जैसे जो हमने सर्वे कराया था, कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ये सर्वे है लगभग 5,500 लोगों ने वोट किया है इसमें, ठीक है, 5,500 लोगों ने वोट किया है, पर इसमें आप देखो कि सिर्फ 20% स्टूडेंट्स हैं जो क्या है, जो 80+ हैं, 20% स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है। तो यानी कि लगभग इंटू टू, तो लगभग 1100 बच्चे इस तरह के हैं, 1100 1200 जो भी मान लो आप, पर इस सर्वे में ही इस तरह का है। तो हाँ, ये तय है, इससे ये कहा जा सकता है कि भाई स्कोर तो बड़ा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसका कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या हम इससे समझ सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन ये है, स्कोर तो प्लस हुआ है, स्कोर बड़ा है। कैसे बड़ा है, क्या कारण है, पेपर सिंपल है या पेपर ओवरऑल, सवाल तो उन्होंने ठीक उठाए थे पर ऑप्शन इस तरह के बनाए कि वो बहुत इजीली एलिमिनेट हो रहे थे, बहुत इजीली चीजें कर पा रहे थे, ठीक है। दूसरी बात, जो मेजर पार्ट था एमपी ज्योग्राफी ये सब, उनके पेपर इजी आ रहे थे, उनके सवाल इजी थे, बच्चों से बैठ रहे थे, इस तरह की चीजें थी। तो यहाँ ये बोल सकते हैं कि कुछ भी कारण रहा हो पर पेपर इजी था कंपेरेटिव, ठीक है, स्कोर बच्चों ने किया है, गलत भी किया है, जैसे जो स्टेटमेंट्स वाले सवाल हैं वो बच्चों ने गलत किए हैं, ठीक है, और जो साइंस आईटी रिलेटेड सवाल हैं वो बच्चों ने गलत किए हैं। तो बिल्कुल जो टफ थे वो थे, है ना, वो गलत भी बच्चों ने हुए हैं। जनरली अगर हम और इसको ईजी करें तो इस तरह का था कि हर साल बच्चे 60-65 सवाल अच्छे से कर पाते थे, इस बार वो रेशियो लगभग 70 तक गया है, ठीक है, कि 70 सवाल वो इजीली कर पा रहे थे, 70 सवाल उनके बैठ रहे थे। फिर रही बात तुक्के की, अब 30 सवाल बचे जिनमें कन्फ्यूज़न है, या जिनमें जैसे मान लो सांची वो बुद्ध गुफा वाला कि भाई बौद्ध की गुफा कहाँ है कहाँ नहीं है, उस तरह के सवाल, तो उन सब में फिर बच्चों के तुक्के लगाने में या जो उन्होंने ट्राई की एलिमिनेशन किया है उसमें उनके 10 नंबर बन जा रहे हैं। तो इस तरह से 80 तक स्कोर बच्चों का जा रहा है। पहले 80 जाना बहुत टफ हो जाता था, जैसे 60 और 10 12 का तो रहता ही था, 10 12 15 सवाल तक तुक्के लग जाते थे, तो 75 तक रेंज जाती थी, 70 से लेकर 75 तक। अब वो रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि वो जो पीछे के इजी सवाल हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो तो बढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर मैंने बच्चों से ये पूछा कि भाई क्या मतलब 80 माइनस वाले, ठीक है, कि 80 से कम वाले लुप्त तो हो गए हैं, क्या ये बच्चे नहीं हैं, ठीक है। मैं बच्चे आते थे, मैं पूछता था भाई तुम्हारे दोस्तों के हैं क्या ऐसे इस तरह के सवाल, क्योंकि इस तरह के नंबर हैं क्या, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई ठीक है जिनके कम बन रहे हैं वो हो सकता है हम जैसे टीचर्स से अप्रोच ना करें, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता हो यार कि सर क्या कहेंगे, या अपने कम नंबर है इस तरह का वो सोच रहे हैं। तो उनसे पूछा तो वो बच्चों ने खूब कहा सर है, खूब बच्चे हैं। फिर कई तो कईयों ने तो मैसेज करके पूछा भी, तो जैसे 71 है, 73 है, 74 है, ऐसे भी कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, कैटेगरी में भी हैं, EWS में भी हैं, OBC में भी हैं, इस तरह की चीज़ें। तो अब फाइनल इन सब चीज़ों से फाइनल कट ऑफ का क्या लगता है या क्या संभावना है। पोस्ट की एक बात कर लें, लगभग हो सकता है कुछ डाटा में एरर हो, वो आप देख लेना, 556 पोस्ट का मुझे पता है और शायद उसमें 290 या ऐसे थी, एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोग चेक कर लेना, पर आइडिया वाइज शायद यही है, ठीक है। तो ये 21 में थी और ये 22 में है, इस तरह का। तो लगभग डबल तो नहीं पर डबल से थोड़ा सा कम पोस्ट ज़्यादा है, मतलब इसमें पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है, किसमें, 22। इसका भी एक फ़र्क बिल्कुल देखेंगे, इसका भी फ़र्क तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
ठीक है, तो ये सब चीजों को देखते हुए क्या हो सकता है या किस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है। फाइनल की भी आई थी, उसमें तीन चार सवाल चेंज भी हुए थे, चार एक सवाल, पर वो दोबारा ले ली गई अब कुछ संशोधन करके, शायद फिर आए वो की। और मतलब इस बार थोड़े से कम चांस हैं कि सवाल डिलीट ज़्यादा हों या आंसर ज़्यादा हों के बदले, ये थोड़े कम चांस हैं, फिर भी देखते हैं ठीक है क्या चेंज आता है। क्योंकि ये तो जैसे ई गवर्नेंस वाला वो थोड़ा सा वैसा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, है ना, और उस तरह की तो बच्चों ने उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाया कि भाई तकनीक आधारित शासन, जबकि हाँ ठीक था ई गवर्नेंस में एम्पावरमेंट होता है या इस तरह का। तो इस तरह के दो चार सवाल हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सांची में कुछ छोटी मोटी गुफाएं हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है ठीक है, और बुलसार और उन सब के, या शायद वो गुजरात का वलसाड है, तो उससे उसके रिलेटेड कोई सूचना इंटरनेट पर नहीं है। तो जो जिन चीज़ों के बारे में इंटरनेट पर नहीं है एग्जैक्ट, तो उनमें डाउट्स हैं ठीक है, डायोड वाले में भी डाउट्स हैं, और इस तरह के कुछ सवाल हैं जिन पर चेंज हो सकता है। तो क्या कहा जा सकता है, मेन बात यह है कि जैसे दो सूची हैं, प्रोविजनल और मेन सूची। अभी कोई प्रोविजनल की बात तो कर ही नहीं रहा ठीक है, मेन सूची की ही बात है कि मेंस का कट ऑफ, मेन सूची का कट ऑफ कितना होना चाहिए। क्योंकि हाँ बच्चों में इस तरह की टेंडेंसी है, प्रोविजनल जब उनका नाम आ जाता है तो वो थोड़े से वैसे हो जाते हैं कि नहीं पता नहीं क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा, और थोड़ा उत्साह कम रहता है। ये 20 के इंटरव्यू में भी हम लोगों ने देखा है। तो मेन सूची की बात करें, अगर प्रोविजनल की बात करें तो वो कट ऑफ क्या रहेगी वो देखेंगे। मेन सूची की बात करें तो देखो बहुत ज़्यादा कट ऑफ चेंज नहीं होनी चाहिए पिछली बार से। जैसे पोस्ट ज़्यादा है, पोस्ट ज़्यादा है तो कट ऑफ गिरनी चाहिए थी बिल्कुल तय, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है इसलिए कट ऑफ, डबल पोस्ट। लेकिन पेपर इजी है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की तैयारी उसी तरह की थी जिस तरह का पेपर आया ठीक है, स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन उसी तरह की थी जिस तरह का पेपर आया, या पेपर इजी है तो इससे कट ऑफ बढ़ेगी ठीक है, इससे कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं ठीक है, कि बच्चे जिस तरह का बोल रहे हैं, हर बार उन्हीं बच्चों के आधार पर कट ऑफ निकाली जाती थी, हर बार उन्हीं से बात करके और उस तरह का निकाला जाता था, मतलब कट ऑफ डिसाइड की जाती थी यार इन बच्चों का ऐसा है तो सामान्य प्रदर्शन ऐसा रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, ये थोड़ा सा टफ है, मतलब 80 प्लस कट ऑफ जाना इतनी सीट्स में थोड़ा सा दिक्कत तो है। पिछली बार गई थी 77, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि घटेगी, तो ये भी थोड़ा टफ है ठीक है। तो इसी के आसपास कट ऑफ तो रहनी चाहिए, एक प्लस हो जाए, 78 हो जाए या 76 हो जाए, ये ही कट ऑफ रहनी चाहिए ठीक है, मतलब 76, 77 या 78। अब कोई बोले कि सर एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट तो देखो कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है, उस तरह का लगाया नहीं जा सकता, पर फिर भी ठीक है इन्हीं के आसपास इन तीनों में से ही एक ना एक कट ऑफ रहेगी, और जो पुरानी कट ऑफ है उसी की संभावना है। अगर मैं रियली जिस तरह से पेपर और इस तरह का देखूं तो मेरा इस अंक पे ज़्यादा बल है, 76 पर ठीक है, कि ये कट ऑफ फाइनली मेन सूची में जनरल की होनी चाहिए ठीक है। फिर भी इन तीनों में से एक हम बोलते हैं, अगर मैं ज़्यादा इंक्लाइंड किसकी तरफ हूँ या मेरा इंटरेस्ट किसकी तरफ ज़्यादा है तो वो 76 है, बाकी ये तीन नंबर में से ही कट ऑफ होना चाहिए। ये अनुमान है और उस तरह का वैसा नहीं है भाई, हाँ इस रेंज में जानी चाहिए। और किस आधार पर है, सिर्फ इस आधार पर कि बच्चे किस तरह का कट ऑफ बता रहे हैं और क्या पोस्ट हैं और किस तरह के सवाल बच्चों के गलत भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों के गलत नहीं है। तो हाँ इन तीनों नंबर में ये होनी चाहिए, इन तीनों नंबर में मेरा थोड़ा बहुत झुकाव इस नंबर की ओर है, 76 की ओर, और बाकी उसी तरह से जो फिर बाकी कट ऑफ हैं वो उसी तरह से जाएंगी। प्रोविजनल में तो जनरल में जिनके 72 नंबर भी हैं तो प्रोविजनल में तो वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं, और ठीक है करनी चाहिए दम से। क्योंकि देखो जैसे इस बार जो भी हुआ कि
पोस्ट प्रोविजनल के लिए भी अलग से डिसाइड हुई, और जो एक्स्ट्रा बच्चे आए और उस तरह का उनको जो बेनिफिट मिले ये आपको पता ही है, तो वो भी एक बहुत ही सही ऑप्शन है। तो हमको प्रोविजनल में भी दम से तैयारी करनी चाहिए। तो प्रोविजनल में तो जिनके जनरल में 72 प्लस हैं वो आराम से तैयारी करें और दम से करें, क्योंकि वो दोनों ही अगर इनके 27% मिलता है या 14% रहता है, दोनों केस में उनको लाभ मिल सकता है और दोनों में उनका मौका बन सकता है। तो आप जो 72 प्लस है जनरल में वो अच्छे से तैयारी करें खूब दम से, हमारा ये कहना है। और जिनके 76 या 76 प्लस हैं वो मेन सूची के लिए भी दम भरें, ठीक है। फाइनली कट ऑफ में हमारा ये कहना है, और बाकी जिस तरह का कम ज़्यादा होता है वो कट ऑफ आप मिला सकते हो, जो मतलब EWS का क्या है और उसका क्या है, जो पुराने डर रहे हैं उसके आधार पर आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो कट ऑफ का तो ये है। अब इससे संबंधित और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, है ना। मतलब जनरल का मेन सूची का हमने बता दिया है, बाकी जनरल और मेल, जनरल और मेल, ठीक है। जनरल और मेल मेन सूची के लिए 76 प्लस और प्रोविजनल के लिए 72 प्लस वाले तैयारी करें, 72 या 72 प्लस, है ना। जिनके 72 हैं या उससे ज़्यादा हैं तैयारी आराम से करें, ठीक है, जनरल के लिए।